स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? आइए, ये बड़े प्रश्न है और बड़े प्रश्नों का जवाब जब भी लिखते हैं तो पैराग्राफ का ध्यान रखते हैं। आपको मैं बताते चलूंगा कहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहला तो प्रश्न यहाँ पर है कि क्या कहानी लिखी जा सकती है, पहले तो यही पूछा है। तो जवाब में लिखेंगे कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इसमें हमने जवाब दिया हाँ। तो इस हमसे पूछा गया था क्या कहानी लिखा जा सकता है, तो जवाब है कि हाँ लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा था कि विचार से क्या आप सहमत है, कहाँ तक सहमत है। तो सबसे पहले तो पूर्णतः सहमत है, लेकिन क्यों सहमत है आइए इसको पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर लिखना है। अपनी कृति लखनवी अंदाज में यशपाल ने यह सिद्ध किया कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। कभी कभी कुछ स्वतः हो जाता है जो ना तो किसी विचार से प्रेरित होता है ना ही किसी घटना से उत्पन्न। पात्र भी उसमें स्वतः आचरण करते हैं, यही आगे चलकर एक कहानी का रूप ले लेता है। यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज करके करेंगे और फिर हम लखनवी अंदाज से ऐसा बताएंगे कि उसमें ऐसा हुआ था। तो लिखेंगे कि लखनवी अंदाज एक ऐसी ही कहानी है जिसके पीछे ना कोई वैचारिक प्रेरणा है ना कोई विशेष पात्र, यह स्वतः घटित घटना का जिक्र मात्र है जो एक कहानी बन जाती है। और यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर से और लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, यह सत्यपाल द्वारा सिद्ध है। यहाँ पर सत्यपाल लिखाएगा तो मैं सत्यपाल लिख देता हूँ, ऐसा लिखना है सत्यपाल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यशपाल लिखाएगा, सत्यपाल नहीं लिखाएगा, यशपाल, ठीक है, सत्यपाल नहीं, यशपाल, लेखक का नाम लिखाएगा यशपाल, यशपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यशपाल लिखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे इस प्रश्न का जवाब लिखना है। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए बार बार पैराग्राफ चेंज करके ये लिखना है ताकि आपका आंसर क्या हो, सुंदर हो और जो चेक करने वाले हैं आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। तो कैसा लगा आपको सवाल का जवाब जरूर बताइएगा और ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।